कि परिवारवादी गठबंधन की सरकार ने कोयला, बालू, गिट्टी की लूट, शराब के व्यापार में और ट्रांसफर पोस्टिंग में हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर माइनिंग लीज भी ली, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जैसा पद प्रतिष्ठा वाला पद उनके परिवार वाले, उनके सहयोगी आज केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। इस सरकार गठन करने के पहले चुनाव में इन्होंने बड़े बड़े वादे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता से की थी, और उन वादों में जो प्रमुख वादे थे कि हम एक साल में 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक ग्रेजुएट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देंगे। इसी तरह गरीब बहन को हर माह 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। 2,500 रुपया जो हमारे दिव्यांग है, वृद्ध है, वृद्धा है, उनको विधवा पेंशन देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपया देंगे, और बहुत सारी योजनाएं इन्होंने की थी, और उन योजनाओं, उन वादे को, उन नारे को आज 2.5-3 वर्ष होने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर में, इन वादे को पूरा नहीं करने के कारण जनता में काफी आक्रोश, राज्य के बेरोजगार नौजवान में काफी आक्रोश, और अपने परिवार के नाम पर जो झारखंड की जल जंगल जमीन, जो खनिज संपदा जो हमें विरासत में मिली थी, जो हमारी अमानत, उसको किस प्रकार 2.5 वर्षों में इन्होंने लूटा है, आप लगातार समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से आप सब राज्य की जनता को अवगत कराते आ रहे हैं। और अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले ही जो समाचार पत्र में छपा, जो केंद्र सरकार की एक एजेंसी ईडी ने बताया कि एक जिले में ही साहेबगंज में 1400 से 1500 करोड़ जो चार्जशीट पेश की गई है ईडी के द्वारा, को 1400 से 1500 करोड़ का अवैध उत्खनन की बात सामने आई, और इस अवैध उत्खनन में मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि उस ईडी के प्रेस नोट में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे, और इनका नामों के कारण झारखंड की जो खनन का पैसे राज्य की जनता के खाते में आनी चाहिए, कि आदिवासी मूलवासी के विकास में जो पैसे खर्च होने चाहिए, आज एक परिवार के खाते में उठे जा रहे हैं। और मेरा सीधे सरकार पर आरोप है, जब एक जिले में 1400-1500 करोड़ का अवैध उत्खनन होगा, तो झारखंड में 12 जिले ऐसे हैं, चाहे वो माइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, चाहे पत्थर का छेरा हो, 20,000 करोड़ से ज्यादा इन 2.5 वर्ष में उत्खनन, चाहे वो बालू का अवैध खनन हो, कोयला का अवैध खनन हो, चाहे रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, धनबाद हो, चाहे चाईबासा में माइंस का अवैध माइंस हो, पत्थर का, चाहे वो साहेबगंज हो, दुमका हो, शिकारी पारा से लेकर पश्चिम बंगाल रामपुर हाट तक, जो अवैध क्रेशर के कारण 20,000 करोड़ से ज्यादा अवैध उत्खनन
इन 2.5 वर्षों में हुई, और जिसके कारण झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी जो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को जिस प्रकार लूट हो रही है, इससे झारखंड की जनता काफी आक्रोश है। और इसी आक्रोश को डायवर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो बयानवीर मुख्यमंत्री, इनके मंत्री भी बयानवीर मंत्रीगण है, रोज नीप नए नए घोषणा कर रहे हैं। उसी घोषणा में उन्होंने 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।